हेलो एवरीवन, आप सभी को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे थे, हमारा बैकलॉग हो गया है, बैकलॉग हो गया है। और जब बैच स्टार्ट होता है तो जनरली बच्चा 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन या एक महीने, दो महीने बैच लेट ज्वाइन करता है। कभी कभी शायद ढाई महीने भी लेट ज्वाइन करता है, मतलब आप 50 दिन 60 दिन पीछे चले गए या बीच में कभी बीमार पड़ गए। तो ये जो दो महीने का, एक महीने का बैकलॉग होता है, ये खत्म करने में बच्चों को 2-3 महीने 4 महीने लग जाते हैं। जब तक 10th 11th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता या 12th के मिड में नहीं चले जाते, बच्चे बैकलॉग में रहते। बहुत ज्यादा सीरियस है तो, बहुत बहुत सीरियस है तो इसको बैकलॉग शायद ये लगातार बनाई रहता है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाते हो रिवीजन भी करना होता है, टेस्ट भी देना होता है। और इट्स ट्रू, अगर आप 5th 10th तक सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी से अगर आपके 2-3 महीने का बैकलॉग है, 1.5 महीने का 1 महीने का बैकलॉग है, तो लास्ट में जाके बिल्कुल आपको 15-20 दिन ज्यादा लगेगा, या बीच में 1-2 चैप्टर आप छोड़ देंगे। बच्चे क्या करते हैं कि जब उनका 2 महीने का बैकलॉग हो जाता है तो 2-3 चैप्टर ही छोड़ देते, फिर आगे जंप करते हैं, जिससे बहुत दिक्कत आती है उनको। और ये साल तो ऐसे भी बहुत स्पेशल रहा, रीनीट की वजह से लगातार बच्चे का कमेंट्स और चीजें मैं देख रहा था। जैसे मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं यहां पर बेसिक मैथ एंड कैलकुलस लेक्चर 1 की बात है। हेलो सर, 30 जून को स्टार्ट किया है। अब 30 जून को आपने स्टार्ट किया है, ऑलरेडी बैच को 1 महीने 10 दिन हो चुका है, 15 दिन हो चुका है। ये देखिए लेक्चर 1 का है, 30/6 को लेक्चर स्टार्ट किया और मैंने ये लिया है, 10 घंटे पहले का कमेंट है, 2 घंटे पहले का कमेंट है। ये बेसिक मैथ 5 का है, आफ्टर स्टडिंग एमआरसी सॉल्विंग नीट इजी हो जाए, नहीं नहीं यू आर ग्रेट, आप लाजवाब हो, स्टडी मतलब ये अभी का कमेंट है, कल का कमेंट है, 45 मिनट पहले का कमेंट है। बेसिक अभी देख लो, वेक्टर 1 बेसिक मैथ मतलब वेक्टर 1 के पहले लेक्चर, 45 मिनट पहले का कमेंट। आज से शुरू कर रहा हूं, 29 तारीख से शुरू कर रहा हूं, देखो आज से शुरू कर रहा हूं, उसमें 5 लाइक भी है। ये है यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला लेक्चर, उसमें 50 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले का कमेंट पड़ा है। बेसिक मैथ लेक्चर 3 है, ये देखो लेक्चर 3 है, 30 जून को स्टार्ट किया। और इसके नीचे जब हम जाते हैं तो कमेंट मिलता है 29 जून को स्टार्ट किया, उससे नीचे जाते हैं तो कमेंट मिलता है 28 जून को स्टार्ट किया, उससे नीचे जाते हैं तो 27 जून को स्टार्ट किया। तो इसीलिए मेरे दिमाग में आइडिया है कि यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बेसिक में, तो आप इसको छोड़ भी नहीं सकते, छोड़ के आगे जाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगा। और इसी में बच्चा उलझा रह जाता है तो दिक्कत आती है उसको। अब यहां देखे मैंने अपना यकीन 2.0 का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर पोल कराया, कितने लोगों का बैकलॉग है फिजिक्स में, ऑनेस्टली बताओ, आई हैव अ प्लान फॉर यू। तो 67% लोगों का बैकलॉग है, कुछ दिन पहले ही बैच स्टार्ट किया, 33% लोगों का नहीं है। फिर मैंने अपने नीट वाला चैनल पे कराया, 71% लोगों का बैकलॉग है। और ये पोल्स थे, कुछ 20,000-30,000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उससे भी ज्यादा। इसमें कुछ सेम होंगे, कुछ अलग भी होंगे लोग। तो मैंने सोचा कि यार ऐसे तो जो बच्चा किसी जेन्यून रीजन से लेट स्टार्ट कर रहा है, या बीच में आप किसी भी वजह से बीमार पड़ गए हो, या अभी से 10 दिन बाद भी कोई स्टार्ट करेगा, क्योंकि रीनीट की वजह से कंफ्यूजन ज्यादा है। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला बैच आप जानते हो यकीन 2.0 है, हर बच्चा सेलेक्ट होने वाला नाम लेता है यकीन 2.0 से, और आपको पढ़ना भी है। तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया है, बहुत ही मक्खन सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल से समझाता हूं। बेसिक मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैंने कुछ बीच में रीनीट का भी बहुत लफड़ा चल रहा था तो 1-2 लेक्चर मैं नहीं ले पाया था अच्छे से, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूं इस बात को। ऑन एन एवरेज 2 घंटे का लेक्चर होता है और 12-13 लेक्चर है, मतलब 25 घंटे का कंटेंट है ऑलमोस्ट, 24 घंटे का बेसिक मैथ का। उसको मैं 6-7 घंटे में रिकॉर्ड करूंगा ऑन द सेम पीपीटी, रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, वैसे भी आपके बैकलॉग तो रिकॉर्डेड देखते हैं, ऑन द सेम पीपीटी 90% क्वेश्चन कवर होंगे, बस रिपीटेशन वाली चीजें हटाऊंगा बहुत देख के। कई बार आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो 2-3 सेम क्वेश्चन करा देते हैं, बस डेटा चेंज होता है, वो हटाऊंगा, बस 90% सेम कंटेंट 1/4 टाइम में मैं आपको करा के दूंगा। ये मैंने आपका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला है, तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना है आप बड़े आराम से अभी भी शुरू कर सकते हैं, सिर्फ 6-7 घंटे, 6-7 घंटे तो यार एक 2 दिन तुम शिद्दत से बैठोगे, बहुत मेहनत करोगे, मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जो 12-13 लेक्चर में कंटेंट कवर हुआ उसका 90% मैं आपको करा दूंगा 6-7 घंटे में। वो मैं लेक्चर आपके लिए फ्रेश रिकॉर्ड करूंगा, पूरी उसी यकीन 2.0 की पीपीटी पर रिकॉर्ड करूंगा। और सेम फॉर द वेक्टर, वेक्टर के कुछ 6 लेक्चर्स हैं या 7 लेक्चर्स हैं, उसको मैं 4-4 घंटे में पूरी वेक्टर की हर एक चीज जो 18.2.0 के पीपीटी में है ना, वो पूरा करा के मैं दूंगा। सो ऐसे कैसे कर दोगे आप, कुछ तो गड़बड़ करोगे, नहीं करूंगा ना। जब लाइव क्लास लेते हैं तो डाउट्स भी देखते हैं, इलस्ट्रेशन भी ज्यादा होता है, पहली बार थ्योरी पढ़ते हैं तो स्ट्रेस डाल के समझाते हैं, 4 बार रिपीट भी करते हैं। अब हर बच्चे को 4 बार रिपीट की जरूरत नहीं है ना,
और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको थोड़ा हटाऊंगा, इफिशियंट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, कई बार हम गुस्सा भी करते हैं, कई बार बातचीत भी करते हैं, तो सबको काट के हटा दूंगा। और ये समरी लेक्चर नहीं होगा, दिस इज नॉट अ समरी लेक्चर, दिस इज द कंप्लीट फुल लेंथ लेक्चर फॉर द यूनिट एंड डायमेंशन, फॉर द वेक्टर एंड फॉर द फॉर बेसिक मैथ। तो इससे क्या होगा कि आराम से आप एक वीक टाइम दोगे तो ये तीनों ही चैप्टर आपके बड़े प्यार से खत्म होंगे। पैरेलली आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, काफी डेंस लेक्चर होगा, लेकिन यार उस चीज से तो बहुत ज्यादा बेहतर है ना, जिस चीज को आप झेलते पीछे लगे रहते परेशान होते रहते और ये बैकलॉग आपको बड़े लंबे समय तक परेशान करता। तो उसका सॉल्यूशन अब मेरे पास है, तुम्हारे पास एमआर का हथियार है, एकदम यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। और इसी तरीके से रिवीजन भी आपको कराएंगे और क्वेश्चन तो इतने कराएंगे कि पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब क्लास नोट्स कर लेते हैं, असाइनमेंट मैं दे देता हूँ, वेक्टर के तीन असाइनमेंट दे दिए, बताइए एक एक चैप्टर के तीन तीन असाइनमेंट होते हैं और असाइनमेंट का सॉल्यूशन भी आपको मिलता है, तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। धन्यवाद।